मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वीट एस्ट्रोनॉलीज। सो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मीडियम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीट एस्ट्रोनॉलीज। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जानते हैं वीट एस्ट्रोनॉलीज के बारे में, थोड़ा जानते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है जो वीट एस्ट्रोन ब्रिज का है। इसमें चार आर्म्स हैं, एक पी रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है, एस रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। इसमें हम जान लेते हैं एक ये क्या ग्लोनोमीटर है। यहाँ एक बैटरी है, मान लेते हैं सप्लाई जो दे रहे हैं बैटरी, मान लेते हैं ये जो भी है जिसका वोल्टेज है, ये एस वन स्विच है जो बैटरी का स्विच है, यहाँ ग्लोनोमीटर का स्विच एस टू स्विच है। इसका मान लेते हैं इसका ग्लोनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या आर जी है, जिसमें क्या करेंट फ्लो कर रहा है, आई जी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अननोन वैल्यू आर है इसका, और इसका जो मीडियम रेजिस्टेंस एक बिहेव कर रहा है तो इसका हम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एट द बैलेंस कंडीशन, जब हम लोग गैलेनोमीटर जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस समय इस गैलेनोमीटर में करंट क्या होता है, जीरो होते हैं। एट द बैलेंस कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म दैट इज द पी एस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर ऑपोजिट आर्म आर इंटू एस। तो एट बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, पी एस इज इक्वल टू आर इंटू क्यू हो गया। हमको तो आर अननोन वैल्यू है तो आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस हो गया। जो पी बाई क्यू जो होता है ये क्या रेशियो आर्म है, एस क्या है एक मतलब इसको नॉन वैल्यू है, और हम आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ हम थ्योरी के माध्यम से अननोन वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो यही जो आर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकाले हुए हैं विद द हेल्प ऑफ विट स्टोन ब्रिज के माध्यम से निकालेंगे। यहाँ पर एक वीट स्टोन ब्रिज का एक किट है, तो सबसे पहले ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये क्या है, ये रेशियो आर्म है। ये क्या है, एक दो तीन चार, जो ये क्या जो चार क्या है, ये नोव है, चार मोव, जिसका जो वैल्यू क्या है, जो एस का रेजिस्टेंस, जो एस रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है, जो एस का रेजिस्टेंस है इसका जो वैल्यू है। और आर क्या है, आर अननोन वैल्यू है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर लिखा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस, ये आर का वैल्यू है। इसी रेजिस्टेंस का हम लोग वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। ये क्या K1 K2 क्या है, एक स्विच है। K1 मतलब बैटरी का स्विच है, K2 मतलब ग्लोनोमीटर का स्विच है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्विच क्या है, ग्लोनोमीटर का स्विच क्या है S2 है, और बैटरी का स्विच क्या है S1 है। हम लोग एक ही साथ हम लोग प्रेस करें ताकि हम लोग इसका जो ग्लोनोमीटर वर्क कर सके, और सप्लाई भी जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं एक ही साथ अप्लाई, ताकि हम लोग ग्लोनोमीटर का हम लोग मालूम कर सकें कि ये जो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में यहाँ एक्सटर्नल बैटरी लिखा हुआ है, ताकि जो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो बैटरी से सप्लाई ना काम कर सकता, तो एक्सटर्नल बैटरी यूज कर हम लोग वीट स्टोन ब्रिज में मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक साथ हम प्रेस करते हैं। जब एक साथ प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ग्लोनोमीटर में बैलेंस कंडीशन में नहीं दिखा रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम मूव करते हैं, मूव करके हम बैलेंस कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, जो रेशियो आर्म मान लेते हैं यहाँ 0.1 पर फिक्स है, ये 0.1 पर फिक्स है, ये इंडिकेट कर रहा है पॉइंट, ये जितना भी व्हाइट जैसा दिख रहा है पॉइंट, ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो एस का जो वैल्यू है 1000 ओम्स है, यहाँ एस का वैल्यू क्या है 100 ओम्स है, यहाँ एस का वैल्यू 1 ओम है, यहाँ एस का वैल्यू क्या है 10 ओम्स है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जब प्रेस करते हैं यहाँ बैलेंस कंडीशन नहीं है, तो हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ हम मूव कर रहे हैं, 1 पॉइंट पर है तो इसको हम मूव कर रहे हैं, ऐसा मूव करना है कि वह बैलेंस कंडीशन में हो जाए। अभी तक हम लोग बैलेंस कंडीशन का पॉइंट हम लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं,
हम लोग इसको एक साथ में प्रेस कर रहे हैं तो लगभग देखिए यहाँ पर नल पोजीशन पर आ गया, मतलब बैलेंस कंडीशन में ग्लूनोमीटर आ रहा है। तो कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जो क्या है इसका जो नीडल्स हैं वो वर्टिकल पोजीशन पर आ गया, मतलब नल पोजीशन पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो आर्म का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.1, ठीक है। ये देखिए जीरो पर आ गया, ये क्या है इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1, मतलब 100, 1 × 100, मतलब 100 ओम इसका इस नोब का वैल्यू है। इस नोब का वैल्यू क्या है, ओनली 1 है, 1 × 1 मतलब 1, क्या है 0 है, 0 × 10 मतलब 0 हुआ, मतलब ये इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, 1 × 100 × 1 मतलब 101 हो गया। और क्या है ये रेशियो आर में है, तो हमको मालूम है जो आर का जो वैल्यू है P/Q × S, जो P/Q का क्या वैल्यू क्या है, 0.1 × 100 + 1, ठीक है। क्योंकि जो ये नोब क्या है, 1 वैल्यू शो कर रहा है, ये जो नोब कर रहा है 100 ओम्स शो कर रहा है, इसलिए 100 + 1 मतलब 101 हुआ, तो 0.1 × 101, ओके। तो इसका वैल्यू कितने होंगे, 10.1 आएंगे, ओके। तो इसका जो अननोन वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है 10 ओम्स आएंगे, ठीक है। तो एक मिनट, यहां पर हम अगर हम मल्टीमीटर के माध्यम से अगर हम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम करते हैं तो क्या आता है, सर्च करते हैं, ये मल्टीमीटर है तो थोड़ा देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हम फिक्स कर दिए हैं लगभग 11 ओम्स आ रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि जो थ्योरेटिकल जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सही किए हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो ओम्स जो आ रहे हैं 10.1, यहां 11 ओम्स है, लगभग इक्वल है। तो इस तरह हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को हम लोग वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ वीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से निकालते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।